आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट, मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत करते हैं रात 10 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ। राज्यपाल से मिलने अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची राजभवन, लगभग सवा घंटे हुई बातचीत। मारवाड़ी समाज ने दीदी को कहा हम आपके आप हमारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि हिंदी भाषियों को बाहरी कहने वाले खुद है बाहरी। सौरभ गांगुली की हालत स्थिर, कल मिलेगा हॉस्पिटल से छुट्टी। डॉक्टर रूपाली बासु ने बताया कि गांगुली को आज ही अस्पताल से छुट्टी दी जानी थी, लेकिन उन्होंने एक दिन और यहां रहने की इच्छा जताई। मेट्रो रेलवे का बड़ा कदम, कोलकाता मेट्रो में जल्द होगी QR कोड की सुविधा। एक नज़र देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर। यूपी में अधेड़ महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट में डाली रॉड, पैर भी तोड़ा। दो आरोपी पकड़े गए, मुख्य अभियुक्त अब भी फरार। कोरोना के बीच ब्लड फ्लू, हिमाचल में 3000 पक्षियों की मौत, 5 राज्यों में संक्रमण। सरकार ने कहा प्रवासी पक्षियों से फैली बीमारी। अब रुक करते हैं जिलों से जुड़ी खबरों पर। लिलुआ होम में नाबालिग से किया गया अत्याचार, हाथों में सेफ्टी पिन से लिखा गया सीनियर्स का नाम। हावड़ा में मिड डे मील के कर्मियों ने PF बोनस व पेंशन वृद्धि की मांग पर किया रोड अवरोध। हमारे दावी होते हमारे सरकारी स्वीकृति दीते होंगे एवं हमारे बेसरकारीकरण करा चलबे ना। हमारे मासिक वेतन 21000 टका करते होंगे एवं अंगनवाड़ी और आशा कर्मी देर मतलब हमारे वेतन वृद्धि करते होंगे। टेक्नो सिटी थाना के पुलिस ने न्यू टाउन से एक युवक को किया गिरफ्तार, उसके पास से देसी बंदूक और एक राउंड गोली भी बरामद की गई। मालता में मां से जबरन 200 रुपए लेकर शराब पीने के बाद युवक ने खुद ही किया आत्महत्या। मृतक का नाम सलीम अली बताया जा रहा है। कल का मौसम, महानगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धूप बने रहने की संभावना जताई जा रही है। कल का पंचांग, सभी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।